सब्सक्राइब कीजिए मैकटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मैक एंड वेलकम टू मैकटेक। तो दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछा था कि भाई ऐसा कोई ऐप है जिससे हम दूसरों के मोबाइल कैमरा को ऐसे सीसीटीवी कैमरा का यूज़ करके उसका वीडियो फुटेज, आसपास के वीडियो फुटेज में हम अपना मोबाइल में देख सकते हो अभी लाइव, या फिर उसका कैमरा मैं खुद यूज कर सकता हूँ वो भी अपना मोबाइल का थ्रू। तो आज मैं आपको वही दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को एडुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, आप इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाएं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एट फर्स्ट आपको विक्टिम का मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो चलिए प्ले स्टोर खोलते हैं। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा आईपी वेबकैम, और पहला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है। तो देख सकते हैं मैं इंस्टॉल पहले से कर लिया हूँ, इसलिए ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है, और आपको स्क्रॉल डाउन करके सिंपली स्टार्ट सर्वर में क्लिक करना है। स्टार्ट सर्वर में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाता है, यानी कि विक्टिम का मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाता है, जिससे आप दूसरे मोबाइल में उसको वॉच कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, एक्शन में क्लिक करके शेयर आईपी में क्लिक करना है। तो शेयर आईपी में क्लिक करने से क्या होगा, उसका जो आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा वो आप कोई भी ब्राउज़र में डाल के आप इस मोबाइल का वीडियो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो आप अपना व्हाट्सएप में उसको शेयर कर सकते हैं, या मेमो में सेव कर सकते हैं, या फिर आप कहीं भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप ही यहाँ इसको मेमो में सेव कर लेता हूँ, तो इसको मैंने मेमो में सेव कर लिया और इसको होम कर देता हूँ सेव करने के बाद। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर ऐसे आप अपना अब दूसरे मोबाइल से जिसको वॉच करना चाहते हो उस मोबाइल में डायरेक्ट इसको आप भेज सकते हैं, आईपी एड्रेस को आप भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मैसेंजर के थ्रू, ताकि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोलिए, जैसे मैं यहाँ पर अभी क्रोम ब्राउज़र खोलने जा रहा हूँ। और इसको क्या करना है, अब वहाँ जो आईपी एड्रेस मिला था यहाँ पुट करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पुट कर दिया हूँ, और जस्ट सिंपली इसको गो करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पेज लोड हो रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा सामने एक पेज खुल गया है, और इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है जिसमें आप देख सकते हैं वीडियो रेंडर रैक, ऑडियो प्लेयर, टू वे ऑडियो वीडियो सॉरी रिकॉर्डिंग कंट्रोल, फोटोज़ बहुत सारा आता है, जूम स्ट्रीम क्वालिटी, ऐसा माइक, फ्रंट कैमरा, मोशन, बहुत सारा ऑप्शन आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो जावा स्क्रिप्ट में क्लिक करना है। तो जावा स्क्रिप्ट में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं उस मोबाइल का जो फुटेज है आना चालू हो गया है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इस ट्रिक को यूज करके आप कोई भी मोबाइल का वीडियो कोई भी मोबाइल में देख सकते हैं, या फिर आपका रूम में आपका मोबाइल अगर रह जाता है, या फिर आप छोड़ दिए हैं, आपका रूममेट क्या कर रहा है वो भी आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, और आपके इससे फ़ोटो भी इसका फ़ोटो ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं जूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए यहाँ मैं एक मोबाइल को रखता हूँ दिखाने के लिए। तो दोस्तों जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल को मैं दिखाता हूँ कैसे जूम, आप देख सकते हैं ये मोबाइल दूर में है अभी। तो मैं अगर इसको जूम 1x से बढ़ा के 4 करता हूँ, तो देखिए कितना सामने आ जाता है मोबाइल। तो आप क्या करते हैं जूम कर सकते हैं, क्वालिटी इसका इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑडियो फोकस, बैक फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको फ्रंट कैमरा दिखाऊंगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी ओके है। तो दोस्तों ऐसा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी के ऊपर नज़र रखते हैं। लेकिन मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपको, कि मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ एडुकेशन पर्पज़ के लिए, आप इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। और दोस्तों जावा स्क्रिप्ट को छोड़ के आप बहुत सारे इधर HTML5 वेब, इसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसको यूज करिए और देखिए। अगर कोई भी सवाल हो मुझको पूछने के इसका बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।
तो दोस्तों एट लास्ट मैं एक और पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, आज जिस भी विक्टिम का मोबाइल को यूज़ करेंगे उसका मोबाइल डाटा ऑन रहेगा तभी आप अपना मोबाइल में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और उसका विक्टिम का मोबाइल का कैमरा को आप अपना मोबाइल का थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक करें और ऐसे ही देखते रहें मैं टेक। थैंक यू।